तो चलिए ये है हमारा बाया पक्ष ये है हमारा दाया पक्ष तो हम बाएँ पक्ष को लेके चलते हैं और दाएँ पक्ष ला के दिखाएंगे तो बाएँ पक्ष में हमारा दिया हुआ है tan की घात तीन थीटा बटे में एक प्लस टैन की घात दो थीटा प्लस कॉट के घात तीन थीटा बटे में वन प्लस कॉट के घात दो थीटा अब चूंकि हम एक चीज़ जानते हैं कि एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इसी तरह एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कौशिक स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है और जो कौशिक स्क्वायर थीटा होता है वो एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ये हमारे सूत्र हो गया तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा टेन के घाट तीन थीटा भट्टे में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट की घात तीन थीटा बटे में एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ठीक है ये आ गया समझ में अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ये जो टेन थीटा है इसकी घात तीन अब टेन थीटा क्या होता है साइन बटे कॉस तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन की घात तीन थीटा बटे में कॉस के घात तीन थीटा पूरे बटे में सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा होता है एक बटे कॉस तो ये हो जाएगा एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस समझते हुए चलिए कोट थीटा की घात तीन है कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस बटे साइन तो ये हमको क्या देगा कॉस की घात तीन थीटा बटे में साइन के घात तीन थीटा बटे में कौशिक स्क्वायर थीटा है कौशिक क्या होता है एक बटे साइन तो वर्क करेंगे तो एक बटे साइन स्क्वायर थीठा आ जाएगा ठीक है अब यहाँ से अगर मैं लिखें तो ये क्या आ जाएगा साइन के घात तीन थीटा बटे में कॉस के घात तीन थीटा गुड़े में कॉस स्क्वायर थीठा प्लस उसी तरह आ जाएगा कॉस के घात तीन थीटा बटे में साइन के घात तीन थीटा गुड़े में आ जाएगा साइन स्क्वायर तो ये एक घात कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया साइन के घात तीन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस कॉस के घात तीन थीटा बटे में साइन थीटा ये हो गया तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं लासा ले सकते हैं लासा आ जाएगा साइन थीटा गुड़े कॉस थीटा यानी आ जाएगा साइन के घात चार थीटा प्लस कॉस के घाट चार थीटा इतना आ गया अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ देखो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ और बटे में साइन थीटा गुड़े कॉस थीठा ऐसे ही रहेगा अब यहाँ पे हम क्या करते हैं अगर कुछ इस तरह हो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हम इसको पूर्ण वर्ग बना के लिख सकते हैं देखो ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी का होल वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का दो ए बी तो माइनस का दो ए बी घटाएंगे तो अब इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं तो ये क्या आएगा एक कोष्ठक में आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इस पूरे की घाट दो माइनस दो गुड़े साइन स्क्वायर थीटा गुड़े कॉस स्क्वायर थीठा ये आ जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा साइन थीटा घुड़े कॉस थीटा अब एक चीज़ ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये एक के बराबर होता है ये सर्वसम का होता है तो एक कवर करेंगे तो एक ही आएगा तो एक माइनस दो गुड़े साइन स्क्वायर थीटा गुड़े कॉस स्क्वायर थीठा बटे में साइन थीटा गुड़े कॉस थीटा ठीक है ये आ गया तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इसको अलग अलग लिख देता हूँ अलग अलग जब लिखोगे तो एक बटे साइन थीटा गुड़े कॉस थीटा और इसके बटे अलग लिखेंगे तो माइनस दो अब देखो अलग अलग जब लिखोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा कट के क्या बचेगा ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा कट जाएगा ना एक घात कम हो जाएगा तो अब एक चीज़ ये जानते हैं कि एक बटे साइन थीटा क्या होता है कॉसक थीटा और एक बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक बटे साइन थीठा गुड़े एक बटे थीटा माइनस दो साइन थीटा गुड़े कॉस थीटा तो यहाँ से क्या आ गया कौशिक थीटा गुड़े सेक थीटा माइनस का दो साइन थीटा गुड़े के कॉस थीटा अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें सेक थीटा गुड़े कौशेक थीटा माइनस का दो साइन थीटा गुड़े कॉस थीटा ये है हमारा क्या दाया पक्ष ठीक है यही इस प्रश्न में हमको सिद्ध भी करना था धन्यवाद कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आई आई टी जेई वो एडवांस के लेवल तक। कर, एक करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा आज ही डाउनलोड करें, डाउट डाउटनेट ऐप या व्हाट्सअप करें अपने सारे डाउट्स, आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर।